कहा जा रहा है तो मैं माटी का गाना ही सुनाता हूँ पहले, क्योंकि माटी मिट्टी माटी, ठीक है। हो 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 आवाज बढ़ाओ भैया। माटी का सफर सन 2017 में यहीं से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली में इसी बरगद के पेड़ के नीचे पहला पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया था। मैं जब किसी पूर्वांचल के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ये व्यक्ति बहुत सारे पूर्वाग्रहों को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है, और केवल टैलेंट नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न यूपी का या यूपी का जो बाहर लोगों ने तस्वीर बना रखी है वो केवल इसलिए कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता, वो बहुत स्मार्टली नहीं रहता और ये समझता है कि ये इसके जो प्रतिभा है, इस वो जो प्रतिभा है उसको उसको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता कई बार। ये जो पूर्वांचल का आयोजन शुरू हुआ है उसमें आपके मन में भी सवाल होगा, मेरे मन में भी सवाल है और आप सब लोगों के मन में भी ये सवाल हो सकता है कि इसका मकसद क्या। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक मकसद है, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें और समझने की कोशिश करें। जो बंधुभाव है, जो भाईचारा है, वो यहाँ भी विकसित हो और यहाँ का भाईचारा पूर्वांचल में जा कर के लोगों की खुशहाली में बटे, लोगों की शिक्षा में सुधार हो। ये माटी का कार्यक्रम के माध्यम से इतना सार लोग को जोड़ देते हो और जोड़त बड़ा काहे खाती पूर्वांचल का आर्ट कला संस्कृति खान पान और पर्यटन का बात बात। दिवाली और घर में छाई घटा काली, आसुआ ढारे घर वाली, आसुआ ढारे घर। अगले साल का पूर्वांचल महोत्सव बहुत ही भव्य रहा। फिर देखते ही देखते पूर्वांचल महोत्सव या यूं कहिए माटी महोत्सव पूर्वांचल के लोगों की सांस्कृतिक चेतना का बिंब बनता चला गया। दुर्गा शंकर जी को मैंने भोजपुरी में बोलते हुए सुना तो सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही थी। वैसे मैं कहना चाहूँगा हम हूँ बोल सकीला भोजपुरी, लेकिन फर्राटे से भोजपुरी बोले में थोड़ा कठिनाई जरूर हुई कि बहुत दिन से छूट गए, लेकिन हम बोल सकेंगे। और मैं समझता हूँ कला साहित्य और संस्कृति जो हमारी पूर्वांचल की है उसको सम्मानित करने के लिए जो यह नाम माटी दिया गया है इससे अधिक उपयुक्त और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता था। साल दर साल पूर्वांचल महोत्सव का रंग चोखा होता गया। पूर्वांचल की बड़ी बड़ी हस्तियां आई और माटी के रंग में रंग गई। माटी संस्था यह बहुत महती कार्य कर रही है कि पूर्वांचल की जो कलाएं हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, खान पान और रहन सहन आदि हैं, उनको बचाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों के जरिए जतन कर रही है। लंका जीतने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा भगवान राम से, अयोध्या में क्या रखा है, ये सोने की लंका है, अब हमने जीत ली है तो यही रही है। तो लंका, ये सोने की लंका मुझे रुचाती नहीं है, मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं लगता। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जहां इंसान पैदा होता है वो तो स्वर्ग से भी ज्यादा बेहतर। पूर्वांचल भूगोल नहीं है ये समझने के पूर्वांचल अध्यात्म है, और मुझे लगता है कि हिमालय और बाजार के बीच एक सदा हुआ जो संगीत है उसी का नाम पूर्वांचल है, इस बात को समझने की जरूरत है। इतने निवेदन बा, भाषा के सम्मान बचल है, बोली के सम्मान बचल है, और प्रसन्नता इबा की आज व्यंजन के जो सम्मान बा ऊपर खुशबू तो हम बाहर पाई गई ऊपर बचल है।
और हम जैसे लोगों के जब भी आवश्यकता रहे छोट के मीटिंग रहे तब वो बुलावल जाए। हम आप यहां आए हैं तो उसी धरती के प्रताप के नाते आए। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहां पर ऐसे असाधारण व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिसे देखकर यह सोच सकते हैं कि ये या तो यहाँ के प्रकृति का प्रभाव है या पोषण का। जहाँ से ऐसे एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स पल बढ़कर बाहर निकलते हैं और रहा कोई भी हो सफलता हासिल करते हैं। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए उसका जड़ कहीं ना कहीं उसके माटी में होता है। आज मैं देश का भले वित्त मंत्री हूं लेकिन मेरा मूल आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के माटी में है, आप सबके भीतर है। माटी के इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने हमारे इलाके के पूर्वांचल के इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया है ये सचमुच में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मेरी पूरी कामना है कि माटी जो काम कर रही है बड़े ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ से आगे बढ़े। इस पूर्वांचल का जो इतिहास रहा है सबसे पुराना इतिहास रहा है हमारे माटी की जो कल्चरल हेरिटेज रही है उसको प्रसारित करने के लिए हम सब आगे आए। मुझे तो हमेशा इस बात का फख्र रहा है कि मैं पूर्वांचल में और खास तौर से आजमगढ़ में पैदा हुआ। हालांकि मैं जानता हूं मेरा बचपन बंबई में गुजरा, वहां के लोग भैया कहते थे लेकिन मुझको उस पर तो कुछ लोग अपने को थोड़ा अपमानित महसूस करते थे लेकिन मैं अपने को काबिल फख्र उसको समझता था। मेरे जहन में बात ये थी कि अगर मैंने स्वयं चुना है अपनी माटी को अपनी धरती को वहां से लौट कर आया हूँ देश विदेश से तो उस जन्मभूमि का भी कुछ कर्ज हमारे ऊपर है जिसको उतारना जरूरी होता है। वृक्ष के नीचे से बैठ के ये शुरू हुआ माटी और आज ये खुद बट वृक्ष बन रहा है तो मेरा साधुवाद कि इनको और आगे तरक्की करे और हम लोगों को भी समय समय पे आप बुलाते रहिए कि हम लोग भी आपसे कुछ मार्गदर्शन लेते रहें क्योंकि राजनीति और समाज सेवा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे बड़ी बात होती है कई बार क्योंकि हम पार्टियों से बंधे होते हैं तो हमको असलियत शायद कम पता लगती है जितने NGOs को, क्योंकि आप नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आप लोगों को हम लोगों से ज़्यादा कई बार चीज़ों का पता होता है। मेरा ये विश्वास है कि पूर्वांचल की जो आभा है पूर्वांचल की क्षमता है पूर्वांचल की आवाज़ मैं जंगपिता जी अन्य लोग अपने संसद में उठाएंगे तो मैं पूरा विश्वास है विकसित भारत में हम लोग इसका एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। और हम आज इतने भोजपुरी की फिल्म की और मेरी जहाँ भी जाना तमिल तेलुगु फिल्म भी करने जाता हूँ या जहाँ भी अब जाता हूँ तो देखा भोजपुरी आई हुआ देखा पूर्वांचल का सांसद है देखो गोरखपुर का सांसद है इतना अच्छा लगा ला कहें कि हमारा माई हमारा परिवार अभी जौनपुर में वह गाँव में रहा ला तो मैं अपनी मिट्टी को मेरी जड़ों को छोड़ा नहीं। मेरे परिवार वही बोली वही पहचान और हमको बड़ा अच्छा लगा जब हम भोजपुरी बोलेगा हमको बहुत अच्छा लगा जब हम गएगा नमक पार्वती फतेह आज भी रज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया। माटी नाम का वो छोटा पौधा आज एक मजबूत वृक्ष बन चुका है। माटी अब पब्लिक ट्रस्ट है जिसके मेंबर्स पूर्वांचल के हर जिले और देश के हर बड़े शहर में फैले हुए हैं। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई तो मुझे ऐसा लग रहा है आज आप सब लोगों की अपनी बिरादरी के बीच में बैठ के कि मेरा बचपन साथ ले आया। मिट्टी हमारे बनारस हमारे से बाहर नहीं जाता है, हम भले ही बनारस से बहुत दूर रहते हैं तो कुछ उसी तरह के भाव से हम दुनिया के हर जगह पर हैं और जहाँ भी हैं हमें अपने लोगों के प्रति अपने काम के प्रति अपने
देश के प्रति जो हमारे अंदर जो समर्पण बना वो कहीं कभी मिटता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। मैं गोरखपुर में पैदा हुई, लखनऊ बनारस में बड़ी हुई, फिर मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से मैं अमेरिका की सर्वोच्च तकनीकी आविष्कारी कंपनी इंटेल में काम करती हूँ और उसका प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे लगता है पूर्वांचल का हर एक बच्चा ऐसा कर सकता है। मैं चाहती हूँ पूर्वांचल का बच्चा ऐसे सपने देखे, बड़े बड़े सपने देखे और मेहनत से साकार करे। मेरा जन्म उसी त्रिवेणी संगम के उसी शहर में हुआ और एक शिक्षित परिवार में मैं बली बनी हूँ और मेरा एक ही ध्येय है जीवन में कि मैं उस शहर को वापस बहुत सारे मूल्य और बहुत सारी शिक्षित लोग इस जगत को दे सकूँ और एक बेहतर भारत, श्रेष्ठ भारत कल के लिए निर्मित कर सकूँ। कोशिश है कि पूर्वांचल के संगीत और कला के साथ साथ वहां की स्वादिष्ट व्यंजनों से देश और दुनिया को रूबरू कराया जाए। आते ही सबसे पहले खाने का इंतजाम यहां पे था, बहुत अच्छा था। और खाना देख के कौन भावुक होता है भाई, मैं हुआ। सच में मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था लिट्टी चोखा देख के पत्तल में, क्योंकि बंबई में शूटिंग के बीच में जब आपको भूख लगती है और आपको जब भूख लगती है तो पता नहीं चलता हमको खाने की भूख लगी, हमको अपने कल्चर की भूख लगती है। और मैं बलिया का रहने वाला हूं पर मेरी पैदाइश बनारस में हुई क्योंकि मेरी मदर वहां प्रोफेसर थी बीएचयू में। बाद में वो यहां फुलब्राइट स्कॉलरशिप में चली गई और बाद में यहां मैत्री कॉलेज में 17 साल प्रिंसिपल रही। और मेरे पिताजी जज थे, जौनपुर में जज थे। और जब वो जौनपुर से बनारस आते थे तो मैं छोटा सा बच्चा था तो हमेशा हर हफ्ते वो इमरती और जौनपुर की इमरती और जौनपुर का गुलाब जामुन लाते थे। तो वो आज इमरती मुझे बचपन के बाद आज मुझे खाने का एक अवसर मिला। माटी के सफर में अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त विभूतियां भी जुड़ी और हमारी सोच को समृद्ध किया। आपन भारत में पहला भैया माटी गाले गाँव में, छोट छोट मड़ई सा कर कोलई, छोट छोट मड़ई सा कर कोलई, और पीपल की छाँव में। आपन भारत में पहला भैया माटी गाले गाँव में, पिपरा के पत्ता सरी के डोले मनो के के डोले में उठत पूर्वा के झुंकवा से आयो रे संदेशवा कि चल अब देशवा की ओर। मैं खुद प्रयागराज का रहने वाला, संगम नगरी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं वकालत करी और वहीं जज भी हुए। उसके बाद पूरे कर्नाटक गए, उड़ीसा चीफ जस्टिस हुए, फिर दिल्ली यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए। मगर इलाहाबाद की माटी, पूर्वांचल की माटी का ये असर है कि कभी उसको भूल नहीं सकते। पूर्वांचल केवल एक मिट्टी भूगोल नहीं है, एक जिंदा दिली का साक्षात प्रतिरूप है। और शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है, आचार्यों ने जो कुछ वर्णन किया, जो जगत खेती बारी ये सब अपनी जगह, धर्म अर्थ काम मोक्ष अपनी जगह,
इन सबसे आगे जिंदगी जीने का जज्बा और जिंदगी लोगों के लिए जज्बा जीने का जज्बा ये पूर्वांचलियों में हमेशा पाएगा। तो अभी मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय करीब सवा साल पहले मैंने ज्वाइन किया एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, तो वहाँ अभी भी मेरा ट्रीटमेंट कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि ये सब पूर्वांचल से, और बहुत सारे छात्र नेता जब आते हैं और पॉलिटिक्स में हमारे तरफ खून में ही कुछ है, तो एक दिन कोई स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन कुछ अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसके कुछ बच्चे आए, तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि सर हमको मालूम है आप गाजीपुर से हैं, मैं मऊ से हूँ, सामने वाला लड़का बलिया का है। ऐसे ही उसने बात शुरू की। एक अद्भुत मतलब एक इनडिस्क्राइबेबल खुशी होती है यहाँ आके जो मुझे बम्बई से यहाँ खींच के लाती है। एक होली के पहले वाले संडे में भी आपका मन करता है कि नहीं जाएं, और जहाँ अपने सारे लोग हैं उनसे जुड़ें। तो एक तो जो मैं देखता हूँ एक बहुत ही कमाल का काम हो रहा है हम लोग सबको एक जोड़ने का, एक पिरोने का, एक साथ एकत्रित करने का, और हमारी अब ये आशा है कि उस पूर्वांचल की जो मंशा थी उसको आगे बढ़ाने का, जिससे कि हम लोग एक जुट होके अपनी सारी जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सकें और हम आगे बढ़ सकें, और ये मुमकिन है और मुझे धीरे धीरे ये होते नज़र आ रहा है। मैंने करीब 40,000 से ऊपर ऑपरेशन किए हुए हैं। हमारा अस्पताल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो कि इस वक्त अपने देश का सबसे माना जाना अस्पतालों में से एक है। हमारे यहाँ पे हर तरह का बहुत, क्योंकि हम लोग आर्मी से हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात को एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता है, बट हमारे यहाँ पे क्या राष्ट्रपति जी क्या जवान, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, वो हमारे पास में आते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं जो कि देश में नहीं बट सदर्न एशिया में पहली बार किया गया। मैं साल में 4 बार अपनी माटी जुड़ा हुआ, तो सोचता हूँ कि 4 बार जरूर गांव जाऊँगा। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया में साल में 4 बार कम से कम जाता हूँ, भले एक दिन के लिए जाऊँ, 2 दिन के लिए जाऊँ, 4 बार जाता हूँ। मैं जाता हूँ, सारे लोगों को पता चल जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। वो BHU में न्यूरोलॉजी से दिखा के आया होता है, मुझे आके दिखाना चाहता है कि ठीक नहीं हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ एज ए पोस्टमैन शायद मैं कि नहीं तुम या तो ठीक कर रहे हो या ठीक है, BHU में आके मैं एम्स आ जाओ, मैं एम्स में दिखा दूंगा। बट एम्स के प्रति लोगों का ट्रस्ट, कि एम्स का कोई डॉक्टर आया हुआ है वहाँ पे, तो एम्स के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो डॉक्टर समाज से चूंकि कहीं भी हम हैं, हमें लोगों का ट्रस्ट जो है अर्जित करना चाहिए। यहीं से ये सोच भी पैदा हुई कि सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों से आगे बढ़कर पूर्वांचल में विकास और प्रगति की दिशा में भी कुछ काम किया जाए। जनवरी के कड़कड़ाती ठंड में पहली बार 5 हेल्थ कैंप्स सिद्धार्थ नगर में लगाए गए। इस ठंडक में, इस गर्म में, इस कोहरे में भी हमारे दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर के डॉक्टर आपके बीच में बैठे हैं, इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बलिया में एक रजनीकांत केंद्र है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का, तो उसकी तरफ से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम 3 दिन का एक फ्री ट्रीटमेंट देंगे और फ्री आई ऑपरेशन करेंगे, जितने लोग आ सकते हैं वहाँ पर आएंगे। माटी एजुकेशन एंड जॉब्स पोर्टल दूसरा बड़ा काम है। हम पूर्वांचल में स्थित 10वीं के बाद के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैपिंग कर रहे हैं ताकि छात्रों और युवाओं की मदद की जा सके। इतिहास को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के मकसद से माटी ने 2 महत्वपूर्ण किताबें भी प्रकाशित की। पूर्वांचल के 108 कवियों पर माटी काव्य संग्रह और पूर्वांचल के 192 स्वतंत्रता सेनानियों पर एक ऐतिहासिक पुस्तक माटी के महायोद्धा। कवि प्रदीप ने ठीक ही कहा है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। अपनी माटी के प्रति आत्मगौरव और स्वाभिमान, यह मनुष्यता की पहली शर्त है, और इसे इतिहास में दर्ज कराना अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। तो मैं कहना चाहूंगा आसिफ वाजमी साहब से, सचमुच उन्होंने अपनी माटी का कर्ज चुकाया। पूर्वांचल की समृद्ध विरासत को संजोने का एक महायज्ञ है, उसमें हम सबको ये आहुति स्वरूप देना चाहिए।
बच्चों का माटी भी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। आज की कंपटीशन भरे युग में बच्चों का समग्र विकास के उद्देश्य से इस योजना को 2 साल पहले शुरू किया गया। अब तक लगभग 200 स्कूल्स के 1700 बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं। सच पूछिए तो पूर्वांचल के बच्चों को, वहाँ के कलाकारों को एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वहाँ के शिल्पकारों को, वहाँ के बिजनेसमैन को इंटरनेशनल नेटवर्किंग की जरूरत है। पूर्वांचल में हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी एडवोकेसी सेंटर की जरूरत है। माटी के प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। इसी सोच के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 एकड़ लैंड में एक माटी कल्चरल सेंटर बनने जा रहा है। जो पूर्वांचल की बात हो रही है, जिसमें बनारस का जिक्र हमेशा आता है, वहीं के एक राइटर हैं काशीनाथ सिंह। उन्होंने काशी का 80 एक मेमोर लिखा है, उसमें जिक्र आता है एक दुकान का, जो एक्चुअल दुकान है जो 80 घाट के पास है, वो चाय की दुकान है। और वहाँ पर एक बोर्ड है, जब मैंने पहली बार उसे पढ़ा था नॉवल में, मतलब मेमोर में जब पढ़ा था, और उसके बाद जब मैं बनारस गया था तब मैंने एक्चुअली दुकान में जाके वो बोर्ड देखा था। वो बोर्ड मुझे कभी नहीं भूलता है। उसमें लिखा हुआ था, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें। पूर्वांचल की बातें बहुत हुई, अब बड़ा काम करने का समय है। यकीन मानिए, इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूर्वांचल की भी एक खिड़की होगी। माटी की इस पहल में आपकी सक्रिय सहभागिता का स्वागत है।